कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चल कुंडली धारामापी यानी मूविंग कॉइल गैल्वनोमीटर की। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने मूविंग कॉइल गैल्वनोमीटर को जो पीछे हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, तो मूविंग कॉइल गैल्वनोमीटर एक तरह का धारामापी है। ये धारामापी सामान्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबित कुंडली धारामापी यानी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वनोमीटर, दूसरा किलकित कुंडली धारामापी या पिवोटेड कॉइल गैल्वनोमीटर। ये दोनों ही धारामापी एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो कुंडली को हम फास्फोरस ब्रांच की एक पतली पत्ती से लटकाते हैं तथा कुंडली का जो डिफ्लेक्शन होता है उसे एक लैंप और पैमाने की व्यवस्था से मापा जाता है, जबकि जो पिवोटेड गैल्वेनोमीटर है वो जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसे रखा जाता है और वहाँ पर जो पिवोट के बीच में हमारी कुंडली होती है उसका विक्षेपण वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सहित और उसका प्रिंसिपल सहित कि हमारे पास एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम करंट का डिटेक्शन और मेजरमेंट कर सकते हैं और इसकी जो क्रिया विधि है वो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण या कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के पतले इंसुलेटेड तार होते हैं और इसे एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर बनाया जाता है। इस कुंडली को एक पतली फास्फोरस ब्रांच के स्ट्रिप से हम एक स्थायी घोड़े की नाल या हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में यानी मैग्नेटिक पोल के बीच में लटकाते हैं, जहाँ पर इस पत्ती को हम एक टॉर्जन हेड से जोड़ देते हैं यानी एक सॉलिड बेस पर हम इसको लटका देते हैं। इस कुंडली का जो निचला सिरा होता है एक अत्यंत पतले ब्रॉन्ज सिरे से जोड़ने पर या स्प्रिंग जैसा हम इस पर एक कनेक्शन कर देते हैं। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रॉड जो बिना कुंडली को स्पर्श किए हुए हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि जो भी हमारी सस्पेंशन स्ट्रिप यहाँ पर है इसके निचले भाग पर एक हम मिरर यूज़ करते हैं और यह मिरर जो है हमें डिफ्लेक्शन बताता है और डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है जहाँ पर हम स्केल की मदद से एक लाइट लैम्प की मदद से ये देखते हैं कि वहाँ पर कितना विक्षेपण हो रहा है। तो इस पूरे मैनेजमेंट को ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है इसको हम एक लेवलिंग स्क्रू और ग्लास बॉक्स के अंदर इसको इस तरह से रखते हैं ताकि हम धारा का मापन जिसका हमें करना है उस पर हम दो सिरे एक टर्मिनल T1 और एक टर्मिनल T2 जोड़ देते हैं जो हमें मदद करता है ये बताने में कि धारा जिसका मापन हम ज्ञात कर रहे हैं वो T1 से प्रवेश होकर T2 से निर्गत होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट के पोल के बीच में हम इस बेलनाकार कुंडली को रखते हैं जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल रहे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो कुंडली के प्लेन में पैरेलल रहें। तो जैसा कि हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सिद्धांत में पढ़ा था कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क इज इक्वल टू NIABsinθ होता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो कुंडली के तल के लंब दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण है और ए यहाँ पर कुंडली का क्षेत्रफल है और एन यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या है।
एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो धारा मापी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है एन और एस पोल के बीच में, वो एक सिलेंड्रिकल जो फील्ड है उसके लिए कुंडली के भीतर यहाँ पर रेडियल फॉर्म में होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यानी वो रेडियली जो है उसको मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि कुंडली के तल पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदैव एक समकोण पर होगा, यानी थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री हम यहाँ पर रख देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए होगा। अब हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमने ये स्ट्रिप यहाँ पर लगाई है जिस पर हमने इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पत्ती है, यदि इस निलंबन पत्ती का टॉर्जन रेजिडिटी यानी मरोड़ दृढ़ता गुणांक सी हो, तो जो ये हमारी जो पत्ती है उस पर जो ऐंठन होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं उस पर जो इलास्टिसिटी होगी विद सर्टेन एंगल जो है वो प्रत्यानयन बल युग्म सी फाई के बराबर होगी। तो प्रत्यानयन बल बराबर सी फाई, जहाँ पर जो सी है वो उसकी दृढ़ता कॉस्ट गुणांक है और फाई वहाँ पर उसका ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यानी उसकी ऐंठन है कि वो कितनी ट्विस्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है वो साम्यावस्था में जो वहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टर्निंग फोर्स होगा वो वहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण है वो बराबर होगा प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल से जो आरोपित बल युग्म होगा वो बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो एन आई ए बी बराबर सी फाई होगा, इसलिए यहाँ पे जो आई का मान होगा आई बराबर सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई होगा, और सी अपॉन एन ए बी ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं के। तो ये हो गया आई बराबर के फाई। जो के है वो यहाँ पर धारा परिवर्तन गुणांक है, यानी करंट रिडक्शन फैक्टर है। आप ये कह सकते हैं कि के बराबर सी अपॉन एन ए बी करंट रिडक्शन फैक्टर है, जो धारा मापी में प्रभावित धारा या हम कह सकते हैं उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो आई है वो यहाँ पर समानुपाती होगा किसके, करंट रिडक्शन फैक्टर के, या आप इसको कह सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो फाई यहाँ पर क्या है, वो जो हमारा सस्पेंडेड लीफ है या पत्ती है उसका टॉर्जन कांस्टेंट के साथ ऐंठन है फाई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी धारावाही परिनलिका के लिए या किसी भी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के लिए अगर हमें करंट मेजर करनी है या वोल्टेज मेजर करनी है इस यंत्र से, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आई जो है वो फाई पर डिपेंड करेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि के जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो करंट रिडक्शन फैक्टर है, उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ड्यू टू करंट और ड्यू टू वोल्टेज। तो यहाँ पर दो तरह की सेंसिटिविटी मेजर होंगी, एक होगी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ड्यू टू करंट या करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे जो धारा मापी की करंट सेंसिटिविटी को। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा है कि जो हमारा फाई अपॉन आई है वो बराबर है एन ए बी अपॉन सी के, यानी फाई अपॉन आई मेजर करेगा करंट सेंसिटिविटी को। धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता एस बराबर फाई अपॉन आई, जो बराबर होगा एन ए बी अपॉन सी के। तो हम कह सकते हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे, उस कुंडली के क्षेत्रफल पे और बी के मान पे। तो जो जो सी का मान हम जितना हम कम करेंगे तो वो कम तभी होगा जब एन ए बी का मान बढ़ेगा। तो कोई भी जो धारा मापी है उसकी करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी एन पे यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे, क्षेत्रफल पे
और चुंबकीय क्षेत्र पे। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी धारा मापी की सुग्राहिता एन ए बी के मान को बढ़ाकर तथा सी के मान को घटाकर ज्ञात की जा सकती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, यदि कुंडली के सिरों के बीच मान लीजिए वी वोल्टेज है, तो फाई अपॉन वी जो है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है फाई अपॉन वी के, और वी हम जानते हैं ओम्स के लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी और इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर। या हम कह सकते हैं क्योंकि फाई अपॉन आई का जो मान है वो हमारे पास क्या मेजर करता है, अभी हमने एस आई उससे मेजर किया था, तो एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन सी इंटू आर, यानी हमने यहाँ पर सी को यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तो फाई अपॉन आई और दूसरा फाई अपॉन वी क्रमशः करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। तो इन रियल लाइफ किसी भी कॉयल की या मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, यानी बी का मान बढ़ाते हैं या सी का मान घटाते हैं। तो बी को बढ़ाने के लिए हम एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो जैसे कि हम बी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि कोबाल्ट स्टील का जो ध्रुव खंड है वो बहुत प्रॉपर है, जिससे कि हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के गैल्वेनोमीटर के, जिसको हमने कहा था पाइवोटेड कॉयल और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, यानी इसका जो हिंदी में नाम है वो है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर या किलकित कुंडली। तो यह कुंडली भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से काम करती है जैसे सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर काम करता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी उसकी तुलना में थोड़ा कम होती है, परंतु यह कंफर्टेबल है, पोर्टेबल है और इसमें जो है हम आसानी से जो है मेजर कर सकते हैं करंट को या वोल्टेज को। तो करेंगे बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसकी जो संरचना है उसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसकी जो संरचना है उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कुंडली को जो है यहाँ पर लेते हैं और उसमें जो है तांबे के तारों से एल्युमिनियम के फ्रेम के बीच में उसको एक शक्तिशाली मैग्नेट के पोल के बीच में रख देते हैं, और कुंडली के दोनों सिरों पर या दोनों चूलों के पास दो स्प्रिंग लगा देते हैं जो कुंडली के घूमने पर उसके ऐंठन पर बल युग्म उत्पन्न करते हैं, यानी ऐंठन होने पर वहां पे बल युग्म पैदा होता है जिससे कुंडली दो पेंचों T1 और T2 के बीच में जो है वो विक्षेप करती है, विक्षेपण करती है। और इसको जानने के लिए हम वहां पर एक एल्युमिनियम का एक पॉइंटर लगा देते हैं जो एक सर्कुलर स्केल पे घूमता है। तो सर्कुलर स्केल पर जब पॉइंट घूमता है तो वहां पर हम मेजर कर लेते हैं धारा मापी को, या हम वहां पर मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक सेंसिटिविटी को या चुंबकीय क्षेत्र को, और उसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं वहां पर धारा मापी में कितनी करंट है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो धारा मापी का संबंध हम यहाँ पर पॉइंटर के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए जो हमारे पास मैग्नेट होता है उसको हम प्लेनो कॉनकेव शेप का लेते हैं, ताकि जो है वो कॉयल जो है आसानी से उसके बीच में रोटेट कर सके। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि हम सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर में कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम उससे यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, या हमने जो पॉइंटर लगाया है वो सर्कुलर कॉयल पे लगाया है और हमारे पास इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है जो धारा मापी का मेजरमेंट करता है वो लगभग 10^-6 एम्पियर तक कर सकता है। तो ये भी बड़ी रेंज है, तो जितनी बड़ी रेंज करंट की मेजर कर सकता है तो इसकी सेंसिटिविटी उतनी कम होने की संभावना है। और अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कैसे हम एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर से
जो हमने अमीटर बनाया या वोल्ट मीटर बनाया वो, तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो अमीटर का जो रूपांतरण है गैल्वेनोमीटर से वो हम क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो करंट मेजर करता है, तो करंट को नापने के लिए हम एक धारा मापी का प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं कि धारा मापी एक तरह का अमीटर ही है। तो जब किसी परिपथ में हम श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध लगा देते हैं, तो उसमें जो नापे जाने वाली जो धारा होती है वो अमीटर पे विक्षोभ उत्पन्न करता है, और जिससे हमें पता चलता है कि फाई समानुपाती आई के। परंतु अमीटर का अपना कुंडली भी होता है, तो अपनी कुंडली के कारण उसमें अपना स्वयं का प्रतिरोध भी होता है। इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर हम परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दें तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि अमीटर का खुद का भी प्रतिरोध है। तो अमीटर द्वारा जो करंट पड़ी जाएगी उस धारा के मान से कम होगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, या आप कह सकते हो कि किसी परिपथ का जो करंट है उसका मान एक्चुअल में उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था, क्योंकि अमीटर का खुद का करंट भी है और सर्किट में भी प्रतिरोध है इसलिए उसका भी करंट है। तो अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा जो है वो परिपथ की धारा को मेजर कर सकता है। तो अमीटर का अपना प्रतिरोध जितना मिनिमम होना चाहिए ये तभी संभव है जब परिपथ में इसको डालने पर हम परिपथ की धारा का मान न बदल पाए, यानी परिपथ की धारा ये सही नापे। तो जैसे कि हम यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ सर्किट में आपके दो प्रतिरोध लगे हैं, और वो दोनों प्रतिरोध जो है किसी बोर्ड ईएमएफ सोर्स के अक्रॉस लगे हैं, तो यहाँ पर जो अमीटर करंट पड़ेगा वो आई बराबर ई अपॉन आर वन अपॉन आर टू पड़ेगा। अब अमीटर के परिपथ में ये जो प्रतिरोध लगे हैं ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो जैसे जैसे ये इनका मान बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास अमीटर का प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा तो धारा का मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि हमने एक और प्रतिरोध यहाँ पे लगा लिया, तो उस प्रतिरोध को मान लीजिए हम आर ए कहते हैं जो अमीटर का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर जो धारा का मान है वो घट जाएगा, वो हो जाएगा आई डैश बराबर ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर ए। आर ए मतलब अमीटर का अपना प्रतिरोध। इससे क्या होगा कि जो धारा यहाँ पर मेजरमेंट होगी वो धारा का मान घट जाएगा, यानी अमीटर में त्रुटि आएगी। तो यह त्रुटि जो है हमें पूर्णतः खत्म करनी है, तो यानी अमीटर का रेजिस्टेंस शून्य करना है, तभी जाके वो धारा मापी एक आदर्श अमीटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, परंतु देखा यह गया है कि किसी भी अमीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। तो व्यवहार में अगर ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ये कम तो किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध है परिपथ का उससे कम, बहुत कम प्रतिरोध किसका होना चाहिए? अमीटर का होना चाहिए। तो किसी भी चल कुंडली धारा मापी के अंदर अगर करंट मेजर करनी है तो हम यह कह सकते हैं कि कुंडली के समांतर क्रम में एक अगर छोटा सा प्रतिरोध हम डाल दें या कोई संट वहां पे लगा दें, तो इस तरह से कुंडली पर प्रतिरोध का मान कम होगा, और इससे परिपथ में जो करंट हम मेजर कर रहे हैं अमीटर पे वो सुगमता से या तुरंत जो है उसकी वैल्यू वहां पर आ जाएगी। तो धारा मापी में संट लगाने से क्या फायदा होता है कि कुंडली से होकर गुजरने वाली धारा को हम अधिक से अधिक मेजर कर सकते हैं, और कुंडली के पैमाने पर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलेगा, और जो संभव तभी है जब उसमें संट लगा हो। तो संट का मेन काम यह है कि किसी भी परिपथ की धारा के मान को सुगमता से नापने के लिए इसका प्रयोग एक प्रतिरोध की तरह होगा, और यह हमेशा गैल्वेनोमीटर के समांतर लगेगा। तो अधिकांश भाग संट से होकर निकल जाएगा, तो कुंडली का विक्षेप कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो कुंडली का विक्षेप यदि कम से कम है तो आप ये समझ लिए कि परिपथ में पहले से ही धारा का मान कुछ है। तो हम ये कह सकते हैं कि संट युक्त धारा मापी का प्रयोग करने से हम
एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, मापन की रेंज को बढ़ा सकते हैं, यानी हम अच्छे से करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी परिपथ के लिए यदि धारा आई है तो धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध या संट हम अगर वहाँ पर एस मान लें तो कुंडली के प्रतिरोध जी के साथ ये जो हमारे पास दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा वो होगा आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस, जैसा कि आप सर्किट में यहाँ पे देख रहे हैं। तो धारा मापी की कुंडली में कुल धारा का जो मान होगा वो एस अपॉन एस प्लस जी वे हिस्से के बराबर होगा। इस मान का प्रयोग अगर हम कर लें तो एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी होगा। और जहाँ पर हमारा जी क्या है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध है, एस क्या है जो हमने प्रतिरोध संट के तौर पे लगाया है। तो यदि कुंडली में धारा का मान आई जी पूरे पैमाने में विक्षेपण करता हो, डिफ्लेक्ट होता हो, तो उस डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि धारा मापी के समांतर संट लगाने से एम्पियर का जो परास है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संट का प्रयोग हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आप सर्किट में जो करंट सेंसिटिविटी है या आप जो गैल्वेनोमीटर है उसको एक आदर्श गैल्वेनोमीटर के तौर पे यूज कर सकें। इसी तरह से हम धारा मापी वोल्ट मीटर के रूप में भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर से मतलब है कि ऐसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मेजर करे। तो यही वोल्ट मीटर या यही धारा मापी एक वोल्ट मीटर के तौर पे यूज हो सकता है। अब ये कैसे यूज हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी एक सर्किट में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए ये कह दिया कि किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो उस सिरे के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, या हम कह सकते हैं फाई समानुपाती है जब आई के, तो यही समानुपाती होगी वी के। तो सिंपल हम ओम्स लॉ से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विक्षेपण जो भी यहाँ पर होगा वो विभवांतर का मान देगा, या किसी कुंडली का जो फाइनाइट रेजिस्टेंस है अगर हमें उसे ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में हम विभवांतर को मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिख रहा है कि दो बिंदु ए और बी हैं, उसके बीच का विभवांतर अगर हम नापना चाहें तो हम कह सकते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा हमारे पास आई बराबर होगी ई अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध अगर आर टू है तो जो यहाँ पर विभवांतर होगा वी बराबर क्या होगा, आई आर टू। हम इस मान को यूज कर लेंगे आई के, तो ये हो गया ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसका अपना भी कुछ प्रतिरोध है वो आर वी है, तो आर टू के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को अगर जोड़ दें तो ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ पर जो परिपथ में धारा का मान है वो बढ़ जाएगा, तो जो नई करंट आएगी वो आई डैश हो जाएगी, तो आई डैश बराबर ई अपॉन आर वन प्लस आर टू डैश। अब हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर वी डैश है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वी डैश इजिकल टू आई डैश इंटू आर टू डैश। इस मान को अगर हम यूज करें तो सिंपल सी बात है कि यदि वोल्ट मीटर का विक्षेप वी है तो यहाँ पर निश्चित ही वी का मान जो है वो गलत आएगा, उसमें एरर आएगी। तो एरर आने से जो है आप इस त्रुटि को दूर करने के लिए आर टू माइनस आर टू डैश का मान को लगभग बराबर करेंगे, तब वो जो है क्या मेजर करेगा, आर टू माइनस आर वन बराबर जीरो, या आप ऐसा कह सकते हो कि वन अपॉन आर टू बराबर वन अपॉन आर टू डैश, या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आर टू और आर वी समांतर हैं तो वन अपॉन आर वी इज इक्वल टू जीरो, या आर वी का मान इन्फिनिटी होना चाहिए। यानी यह अमीटर का जस्ट उल्टा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यानी एक अच्छे वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध उस प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए जिसके सिरों के बीच विभवांतर नापा जाता है। यानी आपका यहाँ पर ये ध्यान रखना है आर वी यानी जो रेजिस्टेंस है उस वोल्ट मीटर का वो अनंत होना चाहिए, यानी अधिकतम होना चाहिए, अनंत से मतलब है अधिकतम। तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि किसी भी पिवोटेड जो है गैल्वेनोमीटर के लिए
जिसको हम वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे और इस प्रतिरोध का मान वोल्ट मीटर की रेंज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि माना कि कोई कुंडली का प्रतिरोध जी है तथा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध आर है, तो इस परिपथ के दो सिरों के बीच जो IG का मान होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, V बराबर IG इंटू आर प्लस जी। तो R अगर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा R बराबर V अपॉन IG माइनस जी। तो यदि कुंडली में IG की धारा विक्षेपित हो रही हो तो A और B के बीच का विभवांतर V की दशा में वहाँ पर धारा मापी के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी की रेंज बढ़ेगी, यानी उसका रेंज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर, एज ए वोल्ट मीटर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम इस प्रयोग को करते हैं कि किसी कुंडली को हम उसमें प्रतिरोध का मान हम बदल सकते हैं। तो प्रतिरोध के बदलने से ही हम करंट और वोल्टेज को अलग-अलग तरह से मेजर कर सकते हैं।